आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुलाब जामुन की रेसिपी। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और हम इसे बनाएंगे विदाउट खोया, इंस्टेंट होममेड मिक्स के साथ। और घर में बनाना ये काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और रेसिपी में दिए गए टिप्स को फॉलो करते हैं। तो आप भी मेरी आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि मैं इसमें देने वाली हूँ कुछ ज़रूरी और इजी टिप्स। और बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपीज़ के लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे 2 कप्स शुगर और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप्स वाटर। दोनों का पोर्शन हम इक्वल लेंगे और अब हम इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 4 छोटी इलायची, ग्रीन कार्डमम और 1 टीस्पून लेमन जूस। शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया है, हमने इसे 5 मिनट्स बॉईल कर लिया है और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें ये बिल्कुल भी थिक नहीं चाहिए। और गुलाब जामुन बनाने के लिए हम लेंगे मिल्क पाउडर 1.5 कप, 1.5 कप और 1 कप का साइज़ यहाँ पर 250 ml है। बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच और मैदा हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, 3 बड़े खाने के चम्मच, सूजी 1 टेबलस्पून और बटर या प्योर घी हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। सभी इंग्रेडिएंट्स को अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क 1/3 कप यानी कि 80 ml। मिल्क हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे बैचेस में और इसका एक मीडियम डो तैयार करेंगे, ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो और ना ही हार्ड। और अब हम इसमें बाकी का भी मिल्क ऐड करेंगे और डो हमने मीडियम रखा है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड। डो का अब हम इस तरह से पोर्शन रोल करेंगे और इसके एक राउंड स्मूथ बॉल बनाएंगे और इसी तरह से सेम वे में हम बाकी की बॉल्स भी बनाएंगे और बनाने के फौरन बाद ही हम उसे फ्राई करेंगे, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएंगी और क्रैक्स आ जाएंगे उन पर। परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए उसे परफेक्ट फ्राई करना भी ज़रूरी है और इसलिए हम ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और गुलाब जामुन को 1 by 1 ऐड करेंगे और कंटिन्यू स्टिर करते हुए मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए डीप पैन ही यूज़ करें और इवन फ्राई करने के लिए उसे कंटिन्यू स्टिर करें और स्टार्टिंग से एंड तक आप गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें। गुलाब जामुन हमारे लाइट गोल्डन फ्राई हो गए हैं और अब हम इसे ऐड करेंगे शुगर सिरप में। सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए आप हॉट शुगर सिरप में ही गुलाब जामुन को ऐड करें और अब हम इसे 30 मिनट्स रेस्ट के लिए रखेंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं और गुलाब जामुन का साइज़ भी हमारा ऑलमोस्ट डबल हो गया है क्योंकि इसने काफ़ी शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लिया है और शुगर सिरप एब्जॉर्ब करने से ये काफ़ी सॉफ्ट और डिलीशियस बनते हैं। और इसी के साथ हमारा बहुत ही डिलीशियस गुलाब जामुन रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और मेरी इस आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल दिल्ली कुकबुक को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।